उसे बोला मैं आ रही मम्मा, वो मान गई, कहती मम्मा आ रही, हमने कहा कुछ भी नहीं होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप जो बोलोगे वो होगा। वो पहले दिन, वो जो पुलिस वाली जो बैठी है वो पहले दिन से धक्के देती हैं, उसको इशारा करती हैं, अभी भी आज उन्होंने इशारा किया उन्होंने, मैंने कहा आप इतनी दम मत देखो। और वो जो वाइट कपड़े वाला है उसे मीटिंग फ़ौरन ख़त्म की और लेके भाग गया वो। और मैं, इन्होंने प्यार सर पे जाते हुए हाथ रखने क्या कहता, तुम बाप नहीं हो, मैं बाप हूँ। और वो बदतमीजी करता है, धक्के देता है, और वो उसको वो बोलता है कि ये बोलो ये बोलो। वो जो जितनी पुलिस वाली हैं वो कौन है, वाइट कपड़े वाला कौन है, वो कौन है, मेरी बेटी मान गई थी, बयान देने लगी थी, और ये लोग लेके भाग गए। अब फिर उसका ब्रेन वॉश करेंगे, इसको धमकाएंगे, फिर वही बोलेगी। जज साहब ने अपने चैम्बर के अंदर हमें मिलने का मौका दिया, सिर्फ 5 मिनट के लिए वहाँ पे मुलाकात करवाई की पुलिस ने। मैंने बच्ची से प्यार से उससे बात की, बच्ची मानी, उसने कहा ठीक है मैं अब घर चलती हूँ, जज साहब के सामने जाके बोलती हूँ। उतनी देर में पुलिस आई, उन्होंने बच्ची का हाथ पकड़ा, खींच के ले गए। और हमारे साथ हम जज साहब के पास गए, हमने जाके रिक्वेस्ट की कि जज साहब बच्ची स्टेटमेंट देना चाह रही है कि वो अपने घर जाना चाह रही है। जज साहब ने स्टेटमेंट नहीं ली, उन्होंने कहा एक बार स्टेटमेंट दे दी है, बार बार स्टेटमेंट नहीं होती। तो आपकी जो बेटी है उसकी शादी कहा जा रहा है, तो आपकी बेटी से मुलाकात नहीं करे, माँ बाप का तो हक यहाँ भी है, दामाद से भी एक बार मुलाकात करवाए, जी देखिए बिल्कुल कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा सवाल यह, जज साहब ने हमारी स्टेटमेंट दोबारा बच्ची की क्यों नहीं ली? बच्ची दोबारा स्टेटमेंट देती, बच्ची घर आ जाती, बच्ची अब घर जाने के लिए हमने उसका सारा डर खत्म कर दिया था। 5 मिनट की मुलाकात में हमने उसे ब्रेन वॉश के उसका जो हुआ था वो खत्म हो गया। जज साहब ने पुलिस वाले खींचे उसको, वही सफेद सलवार कमीज वाला, इसने बोला है कि इसको तुम क्यों हाथ लगाए, कहते मैं बच्ची का बाप हूँ। उस दिन भी आप उसको, जब पुलिस वाली सारी इसको दबा के लेके जा रही थी और मुंह नीचे पेके लेके जा रही थी, तो वो बार बार उस मेरी बेटी के कंधों पे हाथ रख के जा रहा था। मेरे साथ मैंने इस पूरे केस में जुल्म हुआ है। मैंने कहा ना मेरा, वो मेरी बेटी के ऊपर क्यों हाथ रखा, कह रहा मैं बाप हूँ। मैंने कहा मैं बाप हूँ, तू बाप नहीं हूँ, मैं बाप हूँ। कैसे बाप बन गया भाई मैं। वॉन कराची की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।